हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निंग बुल्स। देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम हमारे लिए बेस्ट रहता है चार्ट पैटर्न और ट्रेंड लाइन के लिए। देखो, ट्रेंड लाइन बनाना ना एक ट्रेडर जब मार्केट में आता है 1 हफ्ते 10 दिन में ही सीख लेता है, लेकिन फिर भी वो फेल होता रहता है। और एक ट्रेडर होता है जो 3 से 5 साल बाद भी मार्केट में होता है, वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके पैसा बना रहा होता है। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क सिर्फ एक चीज़ का है, वो है टाइम फ्रेम। जो बिगनर है उसको टाइम फ्रेम की नॉलेज नहीं है, जो एक्सपर्ट है उसको टाइम फ्रेम की नॉलेज है कि ये ट्रेंड लाइन किस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में काम करने वाली है। तो इस पर्टिकुलर लेसन में हम सीखने वाले हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम हमारे लिए बेस्ट है, अगर मैं बात करूं चार्ट पैटर्न के लिए और ट्रेंड लाइन के लिए। तो चलो इस लेसन को शुरू करते हैं और देखते हैं अगले 3 से 5 मिनट में आप मेरे साथ क्या सीखने वाले हैं। गाइज, आपने वाला कोट तो सुना ही होगा कि अगर आपको तेज चलना है तो अकेले चलो, लेकिन अगर आपको दूर तक चलना है तो लोगों को साथ लेकर चलना सीखो। कुछ सीखते हो इस बात से आप? अगर आपको कोई बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप सोचोगे मैं ही CEO बन के बैठ जाऊंगा और मैं ही अपना एम्प्लॉय बन जाऊंगा, सारे काम मैं अकेले करूंगा, पैसा मैं अकेले कमाऊंगा, तो आप बहुत, तो एक तो पहली बात आप बहुत मतलब ही हो, और साथ ही साथ आप लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाओगे। आपको किसी को साथ लेकर चलना ज़रूर चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं अकेला बैठूंगा, अकेले सारे पैसे कमा लूंगा, सबका नुकसान होगा, तो ऐसा नहीं होता यार। देखो, मार्केट में जब आप लोगों के साथ चलोगे, जितने ज़्यादा आपके साथ लोग होंगे, सब मिलके बाय करते हैं, तो ब्रेकआउट उतना ज़बरदस्त आता है ना। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर क्या करता है? वो तो यार करोड़ों में बाय करता है, तो इसलिए वो अकेला ब्रेकआउट ले आता है। लेकिन हम ऑपरेटर नहीं है, हमारे पास करोड़ों की कैपिटल नहीं है, तो हम नहीं ला सकते, हमें लोगों के साथ चलना होगा। अब लोगों को तो घर घर जाके बोलोगे नहीं कि आप भाई मेरे साथ स्कीपर्स बाय कर ले, आप भी मेरे साथ रिलायंस बाय कर ले, ये भी नहीं हो सकता। आप घर बैठ के लोगों को कैसे ढूंढ सकते हो? सिंपल सा तरीका है, जब आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो ना, तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको जब उसमें ब्रेकआउट मिलता है, तो उसमें जितनी अच्छी वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम क्या होता है, हम ही लोग होते हैं, हम ही उसमें बाइंग करते हैं, तो जितनी ज़्यादा उसमें वॉल्यूम होगी, मतलब उसमें ब्रेकआउट भी उतना ही ज़बरदस्त आएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, मेरी लास्ट वीडियो देखना आप, टॉप 3 ब्लास्टिंग स्टॉक्स वाली, जिसमें मैंने स्किपर्स के बारे में बताया था। स्किपर्स में क्या था, हमें 30 से 40% का रिटर्न मिला था 1 से 2 हफ्ते में। अब वो कैसे मिला था? सिंपल सी एक ट्रेंड लाइन थी। अगर आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन ना, मार्केट में एक बिगनर आता है ना, वो 1 हफ्ते 10 दिन में सीख जाता है, लेकिन एक एक्सपर्ट 4 से 5 साल बाद भी ट्रेंड लाइन से पैसे कमा रहा होता है, वो बिगनर क्यों नहीं कमा पा रहा होता और वो एक्सपर्ट कैसे बनाता है? इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, वो एक चीज़ का होता है, वो होता है टाइम फ्रेम। वो बिगनर होता है, वो खेलता रहता है 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट, और जो बड़ा ट्रेडर होता है, एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है ना, वो बड़े टाइम फ्रेम में गेम खेलना पसंद करता है, क्योंकि उसको पता है जब मैं 1 आवर में जाऊंगा, मैं 1 डे टाइम फ्रेम यूज़ करूंगा, तो मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पर, मैं अकेला इंट्राडे ट्रेडर नहीं हूँ, मेरे साथ यहाँ पर स्विंग ट्रेडर भी आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्विंग ट्रेडर कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं? 1 आवर 1 डे। तो जब इंट्राडे भी यही यूज़ करेंगे, दोनों मिलकर जब चलेंगे, तो वो ब्रेकआउट कितना ज़बरदस्त होगा, आप ये सोच सकते हो। नहीं सोचने में आ रहा तो स्कीपर्स वाली वीडियो एक बार फिर से देख लेना, है ना। तो अगली बार से आपको क्या देखना है कि कोई भी चार्ट पैटर्न आप यूज़ करो, सारे चार्ट पैटर्न काम करते हैं। कोई भी आपको लगता है कि यार ये वाला चार्ट पैटर्न काम नहीं करता, तो आप बेवकूफ हो, टाइम फ्रेम बदल के देखो, काम करेगा। यहाँ तक कि एक फनी सा टाइम चार्ट पैटर्न है, मिडल फिंगर चार्ट पैटर्न, वो भी काम करता है, बड़े टाइम फ्रेम में उसको लेके चलना, ठीक है। चीज़ें सारी काम करती है, बस यहाँ पर आपका खेल आता है टाइम फ्रेम का। आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चीज़ों को लेके बैठ जाओगे, उसकी एक्यूरेसी चेक करोगे, हमेशा फेल होंगे, पैसा भी बर्बाद होगा। बड़े टाइम फ्रेम में काम करना सीखो, रिजल्ट भी अच्छे आएंगे और पैसा बनने लगेगा। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको कुछ वीडियो में सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। कुछ भी क्वेश्चन हो आपका नीचे पूछ सकते हो। और ये प्राइस एक्शन की सीरीज की जो मैं बात कर रहा था, उसका ही ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे यहाँ पर चार्ट पैटर्न्स की। तो फिलहाल अभी के लिए थैंक यू।